नमस्कार, मैं इंदुमती दमा, प्रवक्ता CDDM राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है ड्राफ्ट ऑफ रोल कलर। आज मैं रोल कलर की आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी। ड्राफ्ट सबसे पहले ड्राफ्टिंग के लिए हम लोगों को मेजरमेंट्स चाहिए। मेजरमेंट्स हमने लिए नेक साइज 32 सेंटीमीटर, कॉलर डेप्थ हमने लिए 9 सेंटीमीटर। कॉलर डेप्थ आप अपने अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या चॉइस के अकॉर्डिंग भी आप कॉलर डेप्थ रख सकते हो, जितनी आपको कॉलर रोल कॉलर की जो भी आपको डेप्थ चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे 0 to 1। 0 to 1 हम लेंगे हाफ नेक साइज मेजरमेंट्स। नेक साइज मेजरमेंट्स आपका 32 सेंटीमीटर्स है, तो आपको इसका हाफ लेना है, 16 सेंटीमीटर्स आएगा। 0 to 1 आपको 16 सेंटीमीटर्स लेना है। 0 to 2 9 सेंटीमीटर कॉलर डेप्थ, जो कि हमने कॉलर डेप्थ 9 सेंटीमीटर ली है, तो 0 to 2 हम 9 सेंटीमीटर्स कॉलर डेप्थ लेंगे। 2 to 3 इक्वल टू 0 to 1। 2 to 3 इक्वल टू 0 to 1। 0 to 1 हमने जितना लिया है उतना ही अपन को 2 to 3 लेना है हाफ नेक साइज मेजरमेंट्स। जॉइंट 3 to 1 एंड 3 to 2। 0 to 4 आपको 2.5 सेंटीमीटर्स लेना है ऊपर की तरफ। 2 to 5 2.5 सेंटीमीटर इस तरह से आपको ऊपर की तरफ, और 1 to 6 2.5 सेंटीमीटर इस तरह से नीचे की तरफ आपको लेना है। जॉइंट 4 to 6 विथ स्मूथ इनवर्ट कर्व शेप। अब 4 to 6 को इस तरह से स्लाइटली कर्व शेप लेते हुए हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन 5 to 6 विथ स्मूथ आउटवर्ड कर्व शेप। ज्वाइन 5 to 6 आउटवर्ड कर्व, इस तरह से आपको रोल कॉलर का शेप देना है। स्मूथली हमको इस तरह से 5 to 6 को ज्वाइन करना है। इस तरह से ये 2 मेजरमेंट्स लेते हुए हमने कॉलर का ड्राफ्ट बनाया है। ये ओन फोल्ड में कटेगा और ये बायस ग्रेन में कटेगा, तिरछे ग्रेन में, बायस ग्रेन में ये कटता है। हर कॉलर की एक अपनी विशेषता होती है और इसका चयन हम अवसर, व्यक्ति विशेष और ड्रेस के अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं। रोल कॉलर इसकी बस यही खूबी होती है कि ये बनने के बाद हल्का सा मुड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रोल कॉलर हुआ, शॉर्ट कॉलर हुआ, स्विंगिंग कॉलर हुआ, इस तरह से रोल कॉलर्स होते हैं जो अपने आप बनने के बाद मुड़ जाते हैं। सबकी कॉलर की अपनी अपनी विशेषता है। इस तरह से हमने आज ड्राफ्टिंग रोल कॉलर की ड्राफ्टिंग दी है 2 मेजरमेंट से नेक साइज और कॉलर तक। थैंक यू।